आज भी मैं आपके सामने एक नया सेंटेंस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत हैं यदि आप अपने हुनर को खूबसूरत ढंग से दिखाते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक सवाल होता है कि हम खूबसूरत क्यों नहीं है, मुझे वो खूबसूरती क्यों नहीं हासिल हुई जो औरों को मिली है। उनके अंदर क्वालिटी है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे अपने अंदर जो क्वालिटी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं वो कि उनके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है। बस एक वजह से, अपने चेहरे की वजह से। उनको समझ नहीं है इस बात की कि चेहरा खूबसूरत नहीं होता। खूबसूरती की पहचान चेहरे से नहीं होती। किसी भी इंसान की खूबसूरती की पहचान उसके अंदर हुनर से होती है, उसके अंदर जो अलग अलग ने क्वालिटी दिया है उससे पहचान होती है। तो आप खूबसूरत हैं, आप अपने आप को मानिए, आप खूबसूरत हैं। यदि आप अपने हुनर को खूबसूरत ढंग से दिखाते हैं, आपके अंदर हुनर है, आप उनको पहचानिए, आप कौन से हुनर में माहिर है, कौन सा काम आप अच्छे ढंग से लोगों को दिखा सकते हैं, वही तो आपकी खूबसूरती है, उसे बाहर लाइए आप। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, उन दोस्तों के लिए खास तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं, जो दोस्त हमारे इस तरह की बात करते हैं कि यार क्या बहुत शर्म लगती है, वहां जाते हैं अच्छा नहीं लगता है, सब लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट है, बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग, लेकिन हम वहां पे कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, ऐसे स्मार्ट लोगों के सामने क्या बोले हम। तो मैं उन दोस्तों को अपने इस वीडियो के जरिए से बताना चाहता हूं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं आप अपनी खूबसूरती को, आप के अंदर जो अल्लाह ताला ने क्वालिटी दिया है वही आपकी खूबसूरती है। आप उसे बेझिझक अपने हुनर को लोगों को दिखाइए, बेझिझक आप बात कीजिए, आपके बात करने का जो स्टाइल है वही आपकी खूबसूरती है। आपके आप जिसको खूबसूरती समझ रहे हैं वो खूबसूरती नहीं होती, ये आपके अंदर समझ की कमी है, उस समझ को आपको विकसित करना पड़ेगा जिससे आप खूबसूरती को पहचान सके। हर इंसान हर जगह बोलने से शर्माने लगते हैं, हर जगह मतलब अजब सा उन्हें फीलिंग होती रहती है। बहुत सारे औरतें, बहुत सारी लड़कियां इस तरह से मतलब अपने हुनर को बता नहीं पाती हैं कि वो उनके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को वो दबा देती हैं जो उनकी खूबसूरती पहचान नहीं हो पाती। आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप लोग जानते हैं, वो आज हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो उनको लाइए और अपने गांव की सब जो सबसे खूबसूरत औरतें हैं उनको ले लाइए। आप किसे ज्यादा वैल्यू देंगे? आप द्रौपदी मुर्मू को वैल्यू देंगे क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो लोगों के सामने ला करके रख दिए, उनके अंदर वो हुनर है जिसे लोग अच्छा कह रहे हैं, तो उनके हुनर की वजह से उनकी आप इज्जत कर रहे हैं, उन्हें आप खूबसूरत समझेंगे चेहरे से नहीं। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो खासियत है, जो हुनर है, उसे आप बाहर लाइए, वही आपकी खूबसूरती है। आप इस बात से मायूस ना हो कि आप खूबसूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप बहुत खूबसूरत है अगर आप अपने हुनर को खूबसूरत ढंग से दिखाते हैं। तो आपके अंदर जो हुनर है उसे पहचानिए, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं उसे पहचानिए, उसे बाहर लाइए, उसे लोगों के सामने लाइए। एक बार जो है सलमान खान से इंटरव्यू हो रही थी, तो उसमें एक औरत जो है उनसे एक सवाल कर दी, इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी आप इतने हैंडसम हैं, ऐसा कौन सी खासियत आपके अंदर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। सलमान खान जी की कितनी अच्छे से उस औरत का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी है जिसकी वजह से हम खूबसूरत है, क्योंकि हम लोग जहां तहां अपने शर्ट खोल सकते हैं, शर्ट खोल के घूम सकते हैं। आपके हस्बैंड के अंदर भी अगर ये खासियत आ जाएगी तो वो भी मेरी तरह हैंडसम हो जाएंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि आप जहां पे शर्मा जाते हैं वहीं पे आपकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। आप अपने हुनर को दिखाने में शर्माइए नहीं, आपके अंदर जो खासियत दिया गया है, अल्लाह ताला ने आपको जो खासियत दिया है उसे आप दिखाइए लोगों को। आपसे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं होगा दुनिया, आप बहुत खुश रहोगे। हुनर दिखाना कोई गलत नहीं है, आपके अंदर कोई भी हुनर हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आप अच्छे से दिखाइए अपना हुनर। एक चैप्टर महात्मा गांधी का याद है जो उन्होंने लिखा था, पिता का पत्र पुत्र के नाम, उसमें उन्होंने ये बताए थे कि किताब तो सिर्फ आपको इसलिए है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं दुनिया से, घर से, आस पड़ोस से, माहौल से, वो आप दूसरों को समझा सके, इसलिए अक्षर ज्ञान होता है और किताब होता है, वरना नॉलेज तो आपका किताब में नहीं है, किताब से बाहर है। आप अपने माहौल को समझिए, आप अपने समाज को समझिए, आप उसे सीखिए, और दूसरों को सिखाने का माध्यम होना चाहिए, वही माध्यम है अक्षर ज्ञान। अगर अक्षर ज्ञान आपको पता रहेगा तभी तो आप अपनी बात दूसरों को समझा पाएंगे।
अक्षर ज्ञान पता रहेगा तभी तो आप दूसरों की बात समझ पाएंगे। इसीलिए आपको किताब पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने हुनर को दिखाने में खूबसूरती लाते हैं तो। आए दिन अभी जो है लोग वायरल हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं गाना गा दिया वायरल हो गया, बुरी औरत है जो गाना गा दी वायरल हो गई। जिसे आप लोग जानते हैं रानू मंडल कैसे फेमस हो गए, उतनी सारी उम्र उन्होंने गुजार दी बुढ़ापे में जाके फेमस हो गए, क्योंकि वो अपने हुनर को जहाँ दिखाना था वहाँ नहीं दिखा पा रही थी। तो अगर आप अपने हुनर को छुपाते रहेंगे तो कभी भी खूबसूरत नहीं कहलाएंगे आप। चाहे आपका चेहरा जितना भी खूबसूरत हो उससे कोई मतलब नहीं। आसानी को देखिए, जॉनी लेवर को देखिए, कितने खूबसूरत हैं वो लोग, उससे ज्यादा खूबसूरत हमारे गांव में घूम रहे हैं। तो उन्होंने अपनी क्वालिटी को जाके रखा, अपनी क्वालिटी को खूबसूरत ढंग में रखा, इसलिए वो खूबसूरत है। आप अपने अंदर की क्वालिटी को जब तक छुपाते रहेंगे तब तक आप खूबसूरत नहीं बन सकते। इस बात से मायूस ना होइए कि आप हर जगह नहीं जा सकते, आप हर बात लोगों को नहीं बोल सकते, आप अपनी हुनर नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं है, आप अपनी हुनर दिखा सकते हैं। आप डरे नहीं, आप शर्माए नहीं, आपका हुनर ही तो आपकी खूबसूरती है, उसे कैसे छुपा सकते हैं आप। इस बात का चैलेंज करते हैं हम, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर अल्लाह तआला ने कोई खासियत ना दिया हो। कोई ना कोई खासियत जरूर है उसके अंदर, बस उसे अपनी खासियत को पहले पहचानना होगा और उसे ला करके बाहर रखना होगा दुनिया के सामने। अपने हुनर को लोग दिखाई नहीं पाते हैं, शर्मा जाते हैं, तो कैसे हो पाएगा, कैसे आप खूबसूरत बन सकते। तो आप समझ गए होंगे कि आप खूबसूरत हैं, बस आप अपने हुनर को खूबसूरत ढंग से लाके पेश की। इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और आइंदा आप कभी अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हम खूबसूरत नहीं है। आप हमेशा अपने आप का हौसला बढ़ाते रहेंगे कि आप जो भी हो बहुत खूबसूरत हो और आप अपने हुनर को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हो। आप घबराइए नहीं, आपका हुनर आपकी पहचान जरूर देगी। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। आगे भी हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे।